जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। हो सकता है आज तक आपने बहुत सारे होम थिएटर के बारे में सुना होगा, बट आज जिस होम थिएटर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अंडर 15,000 कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है। एंड आज के टाइम पे भी जितने सारे होम थिएटर आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है उसका एक कॉम्पिटिटर है। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये उससे ज़्यादा कई मामलों में बेटर है। जितने वर्ड्स मैं आपको बोलना चाहूँ इसके बारे में वो सभी इसके आगे फीके पड़ने वाले हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है। क्या बात हो आप लोगों को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यामाहा का OST 3072 होम थिएटर के बारे में। कैसा होने वाला है ये होम थिएटर एंड स्पेक्स के मामले में, फंक्शंस के मामले में क्या कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये एक 5.1 चैनल प्रॉपर होम थिएटर पैकेज है। इसके अंदर हमें एक 5.1 चैनल AV रिसीवर मिलता है विद 5 सैटेलाइट स्पीकर एंड 1 सबवूफर जो कि बेसिकली एक्टिव सबवूफर है, एंड एक कैलिब्रेशन माइक दिया गया है जो कि ओवरऑल बॉक्स कंटेंट के साथ ही आपको मिलता है। एंड इतने सारे कंटेंट आपको पैकेज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AVR के बारे में, ओके। तो दोस्तों ये एक 5.1 चैनल AV रिसीवर है जो यामाहा का खुद का बनाया हुआ है। एंड अगर पावर फिगर की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 वाट्स पर चैनल 6 ओम पर हमें ऑडियो आउटपुट देखने को मिलती है। अगर डायनामिक पावर की बात करें तो 6 ओम पर 110 वाट एंड 4 ओम्स पर 130 वाट एंड 2 ओम्स पर 150 वाट मैक्स आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अगर सराउंड साउंड की बात करें तो यहाँ पे सिनेमा DSP का ऑप्शंस भी दिया गया है एंड DSP प्रोग्राम के अंदर अलग अलग 17 प्रीसेट्स दिए गए हैं। डायलॉग लेवल एडजस्टमेंट, साइलेंट मोड एंड क्लीन सिनेमा मोड, डॉल्बी ट्रू HD मोड, डॉल्बी डिजिटल प्लस मोड एंड DTS XD का मास्टर ऑडियो मोड भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों ऑडियो फॉर्मेट्स की, तो जिन फाइल को यह सपोर्ट करती है तो उसमें एक है MP3, WMA, MPEG, AAC, इन सारे फॉर्मेट्स को ये 48 kHz से लेके 16 बिट पर प्रोसेसिंग पे ये प्रोसेस करता है। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यामाहा का YPA साउंड ऑप्टिमाइजेशन मिलता है बेसिकली एक ऑटो कैलिब्रेशन माइक, एंड आप अपने रूम के हिसाब से इसको जो पांचों स्पीकर आपको देखने को मिलता है उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बेहतरीन सराउंड साउंड एंड इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगी, जस्ट लाइक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस। इसके अलावा डायनामिक रेंज कंट्रोल का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है जो कि एक नॉर्मल ऑडियो को और भी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी में कन्वर्ट करती है। अगर ऑडियो प्रोसेसिंग की डेप्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको बार ब्राउन चिप का उपयोग किया गया है। बेसिकली यहाँ पर 3 चिप का उपयोग किया गया है जिसमें से 32 बिट का टैग लगा हुआ है, एंड इनमें से एक है सराउंड साउंड के लिए, दूसरा है 2 फ्रंट स्पीकर के लिए एंड तीसरा जो चिप है वो बेसिकली सेंटर स्पीकर के लिए बना हुआ है। नाउ वीडियो फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या बताऊँ, ये जो यामाहा का रिसीवर है ये 4K अल्ट्रा HD 60 फ्रेम्स पर सेकेंड को पास थ्रू सपोर्ट करती है, एंड एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 4:4:4 वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। इसके अलावा HDMI पे हमें 3DB 2022 का ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसके साथ HDMI में ERC पोर्ट भी आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी कॉन्स मैं बोलना चाहूँगा, जो फार्मवेयर के थ्रू आपको अपडेट करना होगा, नहीं तो आप ERC को नहीं चला सकते, ओनली ये ERC पोर्ट से आपको काम चलाना पड़ेगा। HDMI के अंदर जो अपस्केलिंग दिया गया है जो कि ओनली HDMI to HDMI से ही डिकोड कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड आज के टाइम में भी जो भी होम थिएटर साउंड बार्स आपको देखने को मिलता है जो
HDMI पोर्ट डिकोड करता है फॉर्मेट को, वो आप और किसी पोर्ट से इसको नहीं डिकोड कर सकते। अगर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो HDMI के अंदर हमें 4 इन मिलता है, एक आउट दिया गया है HDR10 Dolby Vision एंड इन दोनों को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता ही है। साथ ही साथ एक USB इनपुट मिल जाता है, बट ओनली फॉर ये ऑडियो फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है। एंड ब्लूटूथ तो ऑब्वियसली आपको मिलने वाला है। एंड फ्रंट पैनल जो है वहाँ पर USB पोर्ट एंड एक ऑडियो मीनिंग जैक का इनपुट दिया गया है, जिसके ज़रिए आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं। नाउ डिजिटल इनपुट की बात करें तो एक ऑप्टिकल इन दिया गया है एंड 2 कोएक्सियल आउटपुट उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। एक एनालॉग इनपुट की बात करें, 3 एनालॉग इन दिए गए हैं, बट कोई भी यहाँ पर एनालॉग आउट नहीं दिया गया है। और इन तीनों में जो एक है हमारा फ्रंट साइड में देखने को मिलती है, बाकी 2 जो है वो आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। वीडियो कंपोजिट 3 इनपुट के अलावा एक आउटपुट दिए गए हैं और एक प्री आउट का ऑप्शन है फॉर एक्टिव सर्वर्स। एंड फ्रंट में एक हेडफोन 3.5mm जैक मिलते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी हेडफोन है तो हेडफोन लेके आप सिंपल मजे भी ले सकते हैं। नाउ दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर हमें FM ट्यूनिंग की ऑप्शन से, इसके अलावा एक डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल भी है। नाउ स्पीकर पैकेज की बारे में बात करें तो जैसे आप लोगों को पता ही है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो स्पीकर्स इनके साथ आते हैं वो 6 ओम पर चलने वाले स्पीकर है एंड उसका जो साइज है वो 3 इंच का फुल रेंज ड्राइवर लगा हुआ है। नॉर्मल इनपुट की बात करें तो 30 वाट पर स्पीकर यह चैनल सपोर्ट करता है जो स्पीकर यहाँ पर डाला हुआ है। एंड मैक्सिमम स्पीकर के आउटपुट की बात करें तो 100 वाट तक ये पावर को हैंडल कर सकते हैं। सेंसिटिविटी जो है स्पीकर को 83 डेसिबल है। एंड साउफर जो दिया गया है यहाँ पर वो 8 इंच का 50 वाट का साउफर है। एंड डायनामिक पावर है 100 वाट तक मैक्स जाता है। एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छी लगी ऑन स्पीक्स, जो 28 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को साउफर हैंडल करता है। नाउ दोस्तों कुछ फोन्स की बात करें जो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद आने वाला है, तो नंबर 1 इंच 4K पास थ्रू अपस्केलिंग हमें मिल जाता है। एंड सेकंड जो है ऑटो कैलिब्रेशन के लिए माइक्रोफोन भी दिया गया है। एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही क्लासी है एंड बहुत ही लाजवाब एंड आपको हेवी फील होगा। इसके अलावा वायरलेस स्ट्रीमिंग का भी म्यूजिक प्ले ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ ऐप्स को सपोर्ट करता है। एंड ये मेरे को इतना ज़्यादा खास क्यों लगा, क्योंकि ये होम थिएटर जब लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। हाँ, आज के टाइम पे ये उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो बहुत ज़्यादा एडवांस था। एंड ब्लूटूथ तो ऑब्वियसली है, साथ ही साथ आपको अनकंप्रेस्ड ऑडियो मिल जाता है एंड जो कि इनहेंस कर देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ आप लोगों को एक एक्टिव सफर मिल जाता है, जो बहुत ही बेहतरीन बात है। नाउ कॉन्स की बात करें तो नंबर 1 वाईफाई नहीं दिया गया है। सेकेंड रीजन से कमी है वो है हमें EARC पोर्ट तो मिल जाता है, बट आपको उसके लिए फर्मवेयर को अलग से अपडेट करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सभी के लिए एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। नंबर 3 बस जो है वो अच्छा है, छोटे कमरे के लिए अच्छा है, बट इसका जो बस है वो बड़े कमरे के लिए उतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं है। एंड यामा का हर एक होम थिएटर में यही एक कमी मेरे को लगता है। नंबर 4 एटमोस का सपोर्ट नहीं है। एंड इसका जो प्राइस है, प्राइसिंग जो है 45,000 से लेके 15,000 के बीच में फ्लैक्चुएट होते हैं। नाउ देखिए दोस्तों, यामा का जो ऑडियो टाइप है वो काफ़ी नेचुरल सी है एंड बैलेंस ऑडियो आपको सुनने को मिलता है। कभी भी आपको ना तो ओवर पावर बैस सुनने को मिलता है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिबल जो हमारा कानों पे चुभता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो वोकल्स वो भी काफ़ी क्लियर है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मेरा टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग आपका टेस्ट भी सेम हो, तो बिफोर बाई आप एक बार टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड मैं ये नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पार्टिकुलर स्पेसिफिकली इस मॉडल को ही खरीदें, बट यह एक अलग टाइप का चीज़ है। जो एक बार यामा का ऑडियो सुनता है ना उसको पसंद आ जाता है, क्यों आ जाता है वो मैं आपको वर्ड में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। आप एक बार इसको टेस्ट ले सकते हैं, आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा तबीयत और भी ख़राब हो चुका है, इसलिए जो वॉइस है टोटली बैठ गया। एंड तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो यही पर करते हैं। गुड बाय।